इतने पैसे लगाने हैं 8 से 9 हजार रुपया, आपने क्या करना है तो ये कंप्रेसर नहीं लगवाना, क्योंकि इसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। क्यों आजम भाई ऐसा ही है? यहाँ पे आप इसके जो है ना वो अम्पेयर देख सकते हैं, 2.45 पॉइंट पे ये चल रहा है, ठीक है जी। अभी आपको हम ये इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर है ना वो चला के दिखाएंगे। ये जी चल गया जी हमारा कंप्रेसर, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, 0.00 बिल्कुल ना होने के बराबर इसका लोड है। ये चल भी रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा आजम भाई, इसकी जिसामत और इसकी जिसामत का फर्क बहुत है, आया कि इसकी ताकत जो है वो बराबर है या कि कम ज्यादा है? भाई मतलब दोनों एक ही हॉर्स पावर के हैं, ये भी 1.4 का है जी, ठीक हो गया, मतलब ये भी 1.4 का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो फ्रिज के कंप्रेसर के बारे में है कि हमारी फ्रिज जब खराब हो जाती है तो उसका तरीकेकार क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हमारी फ्रिज खराब हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें अब क्या करना चाहिए, फ्रिज नया लेना चाहिए, फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो रिपेयर करवाना चाहिए या कि कंप्रेसर नया लगाना चाहिए। इसका जो सबसे आसान हल है उसके बारे में आज जानते हैं कि इसका तरीकेकार क्या होना चाहिए। आजम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हम इनकी 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसीराई आजम भाई को मिली और बहुत लोगों ने काम करवाया इनसे, तो आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। आजम भाई अस्सलाम वालेकुम। आजम भाई क्या हाल चाल है? हाँ जी भैया, सेहत भी ठीक है आपकी? हाँ जी भैया, माशाल्लाह से काम शाम आपका अच्छा चल रहा है? हाँ जी भाई जबरदस्त। अच्छा जी, अच्छा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हमारा जब कंप्रेसर खराब हो जाता है, हाँ जी भैया, कौन सा कंप्रेसर लगवाना चाहिए? अगर हमारी फ्रिज का जो बिल है जी वो बहुत ज्यादा आ रहा है जी, तो उसका क्या हल है आपके पास जी? भाई मतलब अगर तो बजट कम रखना होना तो पुराना कंप्रेसर ही रिपेयर करवा लेना चाहिए। अगर कुछ बजट साथ देता है तो मतलब ना, अब जदीद हो चल रहा है, इसमें इन्वर्टेड कंप्रेसर आए हुए हैं, ठीक है जी, वो लगवा लेना चाहिए अगर बजट साथ देता है तो। नहीं तो पुराना कंप्रेसर भी रिपेयर हो जाता है, तो पहले तो हम पुराना भी रिपेयर करते थे, अब मतलब फ्रिजों में लग के वो आ रहे हैं, मतलब ना इन्वर्टर लग के आ रहे हैं। हाँ जी ठीक हो गया। तो वो यानी कि आपकी राय के मुताबिक हमें अगर कंप्रेसर जल जाए, खराब हो जाए, कोई भी मसला बन जाए, उसको चेंज करके इन्वर्टर जो है ना हमारा कंप्रेसर वो लगवा लेना चाहिए? हाँ जी भाई बिल्कुल। अच्छा अगर हम सादा जो है ना कंप्रेसर चेंज करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं अगर हमारा कंप्रेसर जल गया है जी भाई, उसका पंप खराब हो गया, उसकी वाइंडिंग खराब हो गई है, वो कंडम हो गया है जी, उसको रिपेयर करने पे कितना खर्चा आएगा? मतलब भाई पहले तो हम आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले तो 700 हजार रुपए में मतलब क्लियर हो जाता था कंप्रेसर जी, अभी मौजूदा हालात में तकरीबन 1500 से 3000 के अंदर कंप्रेसर हो जाता है। देखिए जी, ये आपका कंप्रेसर जल गया है, ये खत्म हो गया है, कारीगर के कहने के बावजूद कि ये कंप्रेसर आपका नया डलेगा। अगर आप नया कंप्रेसर डलवाते हैं, ये कितने का है भाई? भाई ये बिल्कुल न्यू कंप्रेसर है, 0 मीटर कंप्रेसर,
ये डेनफॉस का कंप्रेसर है, इसकी प्राइस 29,500 रुपये है। यहाँ पे आप गौर से बात सुनिएगा, ये 29,000 रुपए का ये कंप्रेसर है बगैर गैस के। अगर गैस डिलवा उसमें शामिल करें तो किसने कितने पैसे बनेंगे, कितने और अकाउंट होंगे? चाइना की गैस का भाई 3,500 रुपए मौजूदा हालत में ले रहे हैं, तो जो ओरिजिनल गैस है उसका 5,000 रुपए ले रहे हैं विद मजदूरी। देखें जी, 33-34,000 रुपए आपका इस कंप्रेसर पे लग जाएगा अगर आप फ्रिज का कंप्रेसर सीधा सीधा चेंज करते हैं। अगर आप कोई यूजेबल या काबली लगवाते हैं तो सादा उसमें वो कितने का है? हाँ जी भाई, इसे मैं, ये तो बिल्कुल न्यू कंप्रेसर है इसलिए इसकी 29,500 कीमत है। अगर हम सादा लें, काबली लें, मतलब बाहर से इंपोर्ट हुए हुए कंप्रेसर, तो वो 7,000-7,500 में मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी गौर से बात सुने, आपको मिस्त्री हजरात कहेंगे जी वो 28,000-29,000 रुपए का, वो आपको 8,500 के राउंड बाउंड ये कंप्रेसर जो है ना काबली सादा इन्वर्टर के बगैर वो मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, जब आपने इतने पैसे लगाने हैं 8,000-9,000 रुपया, आपने क्या करना है कि ये कंप्रेसर नहीं लगवाना, क्योंकि इसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, क्यों आजम भाई ऐसा ही है? हाँ जी भाई, बहुत ज्यादा बिजली। अच्छा, आजकल जो आपके पास कंप्रेसर आए हुए हैं इन्वर्टर वाले, वो क्या चीज है वो बताएं जरा उसके बारे में। भाई वो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक कन्वर्टेड कंप्रेसर आ रहे हैं जी, तो वो लोड बहुत कम लेते हैं, ठीक हो, वोल्टेज बहुत मतलब लो लेते हैं, ठीक हो गया, 1.2-1.3 पे मतलब हो जाते हैं। बिजली का कितना असर पड़ेगा पुराना कंप्रेसर उतार कर नया ये इन्वर्टर वाला लगाने पे, कितना असर पड़ेगा बिजली? भाई जो पहले सादा लगे हुए रहते हैं ना कंप्रेसर, वो 1.2-1.3-1.4 तक चलते हैं। अभी जो इन्वर्टर कंप्रेसर तब्दील कर लगाए ना, मतलब वो सादा उतार कर इन्वर्टर कंप्रेसर लगाए, तो 0.2-0.3 यहाँ पर वो मतलब वो चलेगा। कितने परसेंट उसका फर्क पड़ेगा? 2%, 0.5%, 4%, कितना असर? भाई मतलब सीधा सा कह लें, सादा कंप्रेसर वाली फ्रिजें 4 चल रही हो ना जी, तो इन्वर्टर 1 चल रही हो तो मतलब उसके बराबर ना लो रही। आप ये कहें कि इन्वर्टर वाली 4 चल रही हो, हाँ जी, और सादा 1 चल रही हो, हाँ जी, इस तरह से है, यानी कि आपका चौथा हिस्सा जो है ना बिजली का, इसके मुकाबले में ये इन्वर्टर जो है ना ये चौथा हिस्सा आपका बिजली कंज्यूम करेगा, ठीक है जी। 4 हिस्से हैं, ये 3 खत्म हो गए, ये आपका कंप्रेसर लगाने से इन्वर्टर वाला, सिर्फ 1 हिस्सा आपका बिजली का जो है ना वो इस्तेमाल होगा, इतना फर्क है। अभी आपको चला के दिखाते हैं कि ये जो सादा कंप्रेसर है इसका और इन्वर्टर वाले का कितना फर्क है बिजली का। जी आजम भाई, जरा चला के दिखाएं हमारे नाजरीन को। तो पहले तो आप ये चलाएं ना, सादा सादा चलाएं, इधर लाएं भी कैमरा, इधर लाएं जरा कैमरा। ये जी हमारा मीटर है इस वक्त 0-0, ये देखें जी, ये सादा हम चलाने लगे हैं, ये चलाएं जी, ये चल गया हमारा कंप्रेसर। और यहाँ पे आप इसके जो है ना वो अंपेयर देख सकते हैं, 2.45 पॉइंट पे ये चल रहा है, ठीक है जी। अभी आपको हम ये इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर है ना वो चला के दिखाएंगे। ये जो कंप्रेसर है ना जी, जी 1.4 का कंप्रेसर है, खाली इतने एम्पीयर ले रहा है, ये खाली इतना कंप्रेसर है, बगैर गैस के इतने एम्पीयर ले रहा है, ठीक है जी। जब इसमें गैस डलेगी इसका लोड और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। अभी दिखाते हैं जी ये इन्वर्टर वाला आपको चलाकर, चलाए जी, ये जी चल गया जी हमारा कंप्रेसर, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, 0.0 बिल्कुल ना होने के बराबर इसका लोड है, ये चल भी रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा आजम भाई, इसकी जिसामत और इसकी जिसामत का फर्क बहुत है, आया कि इसकी ताकत जो है वो बराबर है या कि कम ज्यादा है? भाई मतलब दोनों एक ही हॉर्स पावर के हैं, ये भी 1.4 का है जी, ठीक हो गया, मतलब ये भी 1.4 का है, ठीक हो गया, मतलब इनकी ताकत एक ही है। चलेगा, हेलो, जब भी आपका कंप्रेसर खराब हो
आपने कोशिश करनी है पहले तो या तो उसको रिपेयर करवाएं, अगर बिलफर्ज कि आपको वो मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि ये नहीं लगेगा, ये बिल्कुल कंडम हो गया, खत्म है, कबाड़ है, तो आपने इस पे आना है, ये इन्वर्टर पे, इसकी और इसकी काबली की जो है ना वो कीमत बिल्कुल बराबर है, लेकिन आपका बिजली का जो खर्चा है इस वक्त बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। हर बंदा इसी के बारे में सोच रहा है कि बिजली से कैसे जान छुड़ाएं, इसका खर्चा कैसे कम करें फ्रिज का। ये बिल्कुल आप समझ लें कि आप फ्री में, मतलब फ्री तो नहीं कह सकते, बिल्कुल ना होने के बराबर जो है ना वो आपका फ्रिज का खर्चा जो है ना वो उसमें आ जाएगा। क्यों जी आजम भाई, ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी साथ साथ ये बता दें कि अगर को हमारा भाई नई फ्रिज लेना चाहता है जी भाई, क्या उसके बारे में आप तजवीज करेंगे कि बिजली का खर्चा और कूलिंग अच्छी हो तो कौन सी फ्रिज जो है वो इस वक्त खरीदनी चाहिए? भाई मौजूदा हालात में तो सबसे बेस्ट फ्रिज है जो वेव जी, ठीक हो गया। फिर पहले भी बहुत अच्छी है, ठीक है, वेव्स में भी कॉपर का कंडेंसर है, ठीक हो गया, इंटरनल, ठीक हो, पहल में भी ठीक हो गया। तो जो ओरियंट है भाई उसमें कंप्रेसर की ज्यादा कंप्लेन आ रही है, बाकी मटेरियल उसमें भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो उसका इन्वर्टर नहीं है? इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर में भी है जी, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट मतलब हाई क्वालिटी की है वो कैनवर्ड, ठीक हो गया, कैनवर्ड का फ्रिज बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे ना उसको, मतलब उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है आजम भाई का उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं कि उसमें इस तरह का माल लगा होता है, उसके पाइप टैप जो हैं वो कॉपर के हैं, उसी हिसाब से आपने मद्देनजर रखना है कि हमें कौन सी चीज जो है वो परचेज करनी चाहिए जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद आजम भाई अपना को व्हाट्सएप नंबर बताएं, हमारे नाजरीन अगर आपसे रब्ता करना चाहे, कोई आपसे काम करवाना चाहे, मशवरा लेना चाहे, तो उसका कोई व्हाट्सएप नंबर बताएं। हाँ जी भाई, मुझे ना व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं जरूर रब्ता करूंगा, मतलब रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा नंबर है 0345 45, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अपनी लोकेशन अगर आप बता दें। मेरी लोकेशन मेन रजाना रोड मरीद वाला, समुंदरी टू रजाना रोड मरीद वाला है, जिला फैसलाबाद, ठीक है जी। कोई भी आपका कमेंट्स हो, आपकी कोई राय हो, आपके पास कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आजम भाई से कोई रब्ता करना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।